<laughs> तो <laughs> पिछले भी हमने थोड़ा सा शुरू किया था गाड़ियों का खरीदना ये वो सारा कुछ उसमें हम जो आखिरी लिंक छोड़ कर गए थे बैंक बैंक मतलब पैसे आते कैसे मतलब आज आज की जो हम, आ, जो आज की जो 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 वीडियो इसमें हम है है बात उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो है भाई में कोई समझ नहीं है मोटे मोटे लव <laughs> एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैंग टैरिफ नहीं हमें कुछ नहीं आता हम सिर्फ आपको देंगे ले मैन कि एक आम आदमी का बैंक से क्या रिश्ता मतलब कोई नया पाकिस्तान से आ रहा है आ। उसको बैंक में जो पुराने पाकिस्तान से कोई आज <laughs> आजकल नया पाकिस्तान नहीं है जा, ओके। जा, जा, जा। तो वो पाकिस्तान से जो भी आ रहा है वो बैंक मतलब कि उसने यहाँ पे आना है तो पहली बात तो है कैश आपने हाथों में नहीं रखनी नहीं रखनी यहाँ भूल जाओ नहीं अच्छा लगता और 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 बहुत सारी जगह आप रुक जाएंगे और इससे पहले कि हम जरा टॉपिक के अंदर डीप जाएं सबसे जरूरी बात डिस्क्लेमर हम जो भी बातें करने वाले हैं इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग प्रोफेशनल एडवाइस हमारे पास कोई डिग्री नहीं हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है ऐसी बातें करने के लिए आप अपने जाके प्रोफेशनल कंटेंट देखें आप प्रोफेशनल लोगों से बात करें कि ये वो अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज ये वो क्रेडिट कार्ड आप वो वो कॉन्टेंट भरा पड़ा हुआ है आपको बैंक वाले भी समझाएंगे हम सिर्फ एक बताएंगे आम आदमी का परस्पेक्टिव और हमारा पाकिस्तान में कैसा एक्सपीरियंस रहा है हम जब वहाँ पर भी बैंक खुलवा चुके हैं और इधर हम जब आए कैसे रहा हम एक नॉर्मल एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे गए कैसे ट्रीट हुए हम यहाँ पे उन्होंने कैसे हमारी खातिर खातिर ताजी की बिल्कुल और डिस्क्लेमर दिस इज नॉट अ अंशियल ये तो हो गया यहाँ पे जो तुम बात कर रहे थे कंटिन्यू से करते हैं कि कैश खुदा रुदार हाथ जोड़ता हूँ भाई साहब रख दियो दठिया तक रखने की कोई लोड़ नहीं है थे बैंक खुल देने <laughs> बैंक बड़े जरूरी ने सबसे जरूरी है आप सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट चेक इन अकाउंट स्टूडेंट हैं तो जाके स्टूडेंट चेकिंग अकाउंट क्योंकि उसमें होता है कि तो मतलब मेंटेनेंस तो फी या जो आपको रेगुलर उसमें तनख्वाह आ रही हो या yeah. तो फिर वो मेटेनेंस फी भी जो बारह तेरह होती है वो नहीं कटेगी बैंक यहाँ पे बहुत सारे है तो वो और बैंक भी आपने वही बैक टू पासपोर्ट आपका पासपोर्ट

आप कहीं गए हुए हो या किसी के घर में रह रहे हो नए नए जब गए हो या यूनिवर्सिटी में गए हो तो उस डॉम का एड्रेस मेल बॉक्स आपको मिलता है बिल्कुल वो दे दो उधर आपका आपका ये जब आप क्रेडिट कार्ड बन डेबिट कार्ड बनवाते हैं सॉरी नॉट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बनवाते हैं तो वो आपको मिल उधर आ जाएगा भाई ये दो थी और एक्सपीरियंस जो है हमारा डिफ्रेंसिस जो हैं पाकिस्तान और अमेरिका की पाकिस्तान की बात ना करें पाकिस्तान में कैसे खुला था फिर इस पे आते हैं यार पाकिस्तान में तुम मेरे <laughs> मेरे तो मेरे तो जी बैंक में काम करते थे तो मुझे सॉरी टू से इतना कोई इश्यू नहीं हुआ अगर तुम्हें नहीं मेरे भी आपके अबाजी करते थे मेरे ताया से, नो जी नहीं असी नहीं पहले, नहीं पहले नहीं। कह रहे जी सिफारिश अभी खुद सफारिश नहीं नहीं, नहीं।, नहीं।

और घर कितने कितने बंदे ने मतलब <laughs> <laughs> पूरा से वो पूरा, पूर, आप से के के पूरा <laughs> वो नहीं। ना 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 ना। आप दो चीजें आइडेंटिटी वेरीफाई होगी पूछेगा जी कितने नोट हैं वही भी फॉर एन फाइनल एंड फाइनल आपको करके दे और यहाँ पे हम हम गए अपनी एग्जाम्पल दे रहे हम गए जी वो बैंक अकाउंट खुलवाउंट खुलने गे तो हम बैंक का नाम ही लेंगे फॉर डिस्कलेमर रीजन पर सेम सेवरीवेयर ये समझो यार सेम है दो तरह के बैंक होते हैं एक होते हैं जो सिर्फ सिटी या स्टेट वाइड होते होते हैं जो हर जगह होते हैं नेशनल वाइड हम उस बैंक में गए जो नेशनल वाइड नेशन है चले गए तो उधर चले गए वो हम पासपोर्ट पता शेकी से हो रहे हैं शुरू में नए नए आए हुए हैं मैं देसी टाच है थोड़ा था। वो ये क्या कर रहे हैं, तो हैं।, और... <laughs> हैं है? समझ नहीं आ रही इतनी इज्जत तो हमें कहीं नहीं मिली इतनी इज्जत हमें यहाँ पे मिल रही है तो वो वो हम ले के आई उसने देखा उन्हें बड़ा सलाम दुआ ये वो शशके मशके सारे बैंक के बताए उसने मैं कहा ताजे यार तो ये तो स्टोरी बड़ी सेट है फिर उधर ही हमारा एक दिमाग ऐसा ना वो ताजे पाकिस्तान में तो यार तो देखो नहीं क्या खबर होती है एक दम क्लिक करता है अब आपको इतनी इज्जत मिल रही हो कहाँ से और आपको यार पर वो भी अपना आपने वो भी सीखना ही होता है अपना मोल का। भी हम उसको बुरा नहीं कह रहे कि वो बुरा है वो भी आपने मोल सीखना है वो सीख के आप इधर आते हो तो आप थोड़े से शार्प होते हो थोड़े से तो वो हमें उसने बैंक अकाउंट खोला पाँच पाँच छ छ या आई थिंक पचास साठ डॉलर Right? चार सौ थे तो कहती है, आप है? मैं आपको खुद डाल दूंगी फिर कहती है मेरे साथ चलो तुमने बाकी नहीं रखवाने मैंने कैश रखना है मुझे उसने कहा मैंने कहा मैंने सारे डलवाने कहती है मैं पचास साठ खुद डाल देती हूँ वो बैंक और खुद की टैल ये भी नहीं कैसे पाकिस्तान पर्ची पाए बढ़ा के ला आओ ना 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 वो खुद उठी उसने पूरा

और उसने फिर हमें पूरा गाइड भी किया ये तो हम आप आपको बता रहे हैं पच्चीस साल की उम्र तक ये पैसे कटते हैं मेंटेनेंस कोई नहीं होती ओवरड्राफ्ट ओवर क्या होता है तुमसे ज्यादा हो गए सारा कुछ समझा उसने डेबिट कार्ड का तरीका बताया किस तरह फिल आउट करते हैं बड़ा ही जिस तरह एक एक बच्चे को, को समझा रहा होता है मतलब उसने आपको अगर बिल्कुल वो आपको ऐसी हेल्प करेंगे कि आपको टेंशन नहीं होगी कि मेरे पैसे कहीं और कोई मसला ना हो जाए ये ना हो जाए वो आप बिल्कुल फील मतलब कि आप बिल्कुल सेटिस्फाई वहां से निकलते हो कि यार आपका सारा बैंक का मामला सेट हो गया अब आपके वो कार्ड में अगर कुछ होता है आपके आपका डेबिट कार्ड है वो कहीं मिस हो रहा है तो वो भी आपकी मनी सेव है तो वो टेंशन भी नहीं है नहीं। और उसके ये, नहीं उसके ये, भी कहीं यूज हो, ये है आपको मैसेज हो गया बैलेंस वो वाला आएगा ई मेल आया करी और यहाँ पे आप लोग इसी पैसा पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हो यहाँ पे होता है जैल मतलब मैंने रमजा ने मुझे फोन किया मैं रमजा कहीं खाना खाने के बिल बना है तीस डॉलर का

कहीं भी आपको ऐसा नहीं होगा कैश लेते वन परसेंट आउट ऑफ हंड्रेड एक परसेंट एक फीसद बंदे होंगे जो कहेंगे यार के कैश चलता है इधर और वो भी इतना नहीं कार्ड ही कार्ड है कार्ड ही कार्ड है तो वो तो खुल गया उसके बाद नहीं और अच्छा फिर मेरे सर एक दफा हुआ था कि मैंने अपना एड्रेस चेंज कराना था मैं तो पाकिस्तान कैसे पाकिस्तान जाना होता है अपना आई कार्ड लेके जाओ नया प्रूफ लेके जाओ तुम इधर किधर आ गए हो ये बात है बात की कहती है तू कोई नहीं तुम ऐप खोलो मैंने कहा अच्छा चीज खोल ली कहती है यहाँ जो एडिट का बटन दबा एडिट मैंने कहा घर तो बैठे बैठे गार बैठे बैठे आपकी जो नई डिटेल है वो तब्दील तब तो आई नो हम sorry to say, हम उस पुराने टाइम को कंपेयर हैं अगर अब वहाँ पे पाकिस्तान में अगर वो अपडेट हो गया है कि आप घर से भी कर सकते हो तो आप वो ऑनलाइन बैंकिंग जिसको कहते हैं एड्रेस का काफी मसला है अगर आप अगर जाओगे बहुत तंग कर रहे हैं मतलब कि अभी आप हमें बताएं कि वहाँ पे एड्रेस हो जाए ताकि हमें भी पता चले और जो हमारे देखने वाले लोग हैं उनको भी पता चले कि हाँ वो मतलब के एड्रेस वहाँ पे हाँ। चेंज हो जाता है मतलब कि आपको जरूरत नहीं है कि बैंक में ही जाना है तो अगर ये नहीं है अगर इसमें मसला है तो आप वो कमेंट में बताएं ताकि हमें भी पता चले और तो देखने वालों को हाँ, भी पता हाँ। चले ये तो हो गया अपनी पहले बैंक अकाउंट खुलाने काउंट खोल गया अच्छा अभी ये बताओ डेबिट कार्ड तो बन गया अब डेबिट कार्ड बन गया बन गया क्रेडिट कार्ड अगर हमने लेना है तो क्रेडिट कार्ड कैसे आना है कुछ गिने चुने बैंक हैं जो स्टूडेंट को देते हैं पहली तो बात ये है ठीक है और वो ये तक सहूलत दे रहे हैं आजकल के आप अब जहाँ पे अच्छा आपने क्रेडिट कार्ड खोलने जाना है ना हर चीज में एक चीज़ आ जाती जा जा है क्रेडिट स्कोर में उसमें बाद में आता हूँ क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट के लिए वो आजकल एक खोल रहे हैं सिक्योर क्रेडिट कार्ड उसमें ये एक एग्जाम्पल आपको कहेगा कि यार तुम्हारा तुम्हारे पास कोई यहाँ पे वो वाली लाजमात नहीं है जो बाकी लोगों के पास है तुम तो एक स्टूडेंट हो ओके तुम अपने सिर्फ स्कूल का वो ले या तुम विजिट पे हो जिस पे भी हो वो कहेगा तो मैं क्रेडिट कार्ड खोल लेता हूँ सिक्योर उसकी लिमिट ज्यादा नहीं होगी पर इनफ है ठीक है पाँच सौ छह सौ आठ सौ जितनी भी होगी वो और वो कहेगा कि यार तुम ना इसके मुकाबले में दो सौ डॉलर कैश हमारे पास रखवा जाओ सिक्योर डिपॉजिट तीन महीने बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली ई मेल आएगी कि, कि भाई वो जो दो सौ थे हुँ. अब वो भी रखवाने की जरूरत नहीं है वो उठा के आपके चेकअन अकाउंट में वापस फेंक रहे हैं और जो बाकी क्रेडिट कार्ड है वो आठ सौ सात सौ का वो आपका है हुँ. और लिटरली आप अच्छा यूज़ कर रहे हैं टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं कोई मिस यूज नहीं कर रहे हैं उस कार्ड का वो कार्ड ऑटोमेटिकली आपकी लिमिट आठ सौ से मैंने जहाँ तक देखा पंद्रह सौ दो हजार तक

कैश कैशबैक आता रहे या जो गैस इस तरह की चीजें या खाना खाने के और बाद में फिर खुद ही डेबिट कार्ड से उसको पेड ऑफ कर दिया और इम्पोर्टेंट नोट इसमें यह है कि जब क्रेडिट लिमिट खुद कॉल करके कभी नहीं कभी बढ़ाना। भी नहीं करानी वो कभी भी नहीं बढ़ाना खुद कॉल करके क्योंकि वो करेंगे क्रेडिट रन चेक करेंगे आप एक जो भी आप बड़ी कंपनी वो इंशाल्लाह बाद में आपको डिटेल में उसके बारे में बताएंगे कि ये सिक्योरिटी चेक मतलब क्रेडिट रन क्या होता है बैकग्राउंड चेक चेक बैकग्राउंड चेक बैकग्राउंड चेक क्या होता है तो वो आपको डिटेल में बताएंगे तो वो कभी कॉल करके आपने स्टेटमेंट बैलेंस वगैरह नहीं बढ़ानी खुद भर जाए आई थिंक वो पांच महीने का पीरियड देखते हैं कि यार मैं तुम्हारी तीन हजार पांच हजार कर रहा हूँ वो आपको सारा कुछ हो गया बड़ी गरीब सी चीज है लेकिन यहाँ जरूरत भी है <laughs> क्यों अच्छा इसमें यह है कि आप आ, इसके भी दो चीजें होती हैं क्रेडिट स्कोर की तीन बड़ी कंपनी है कंपनियां ट्रांस यूनियन और आ, आ, तीसरी है देखिए दिमाग से नाम निकल रहा है Union, तीन बड़ी स्कोर, और ट्रांस यूनियन ये आपका तीनों मोनिटर कर रही होती हैं क्रेडिट स्कोर मतलब कि शुरू से लेके जब आप स्टार्ट करते हो बिल्कुल ये तब होता है जब यहाँ पे आपकी एक चीज होती है सोच वो आपका बन जाता है तो फिर वो आप बैंक वालों को देते हैं फिर वो एक आपका मतलब एक समझ ले वो आप गवर्नमेंट एक, एक प्राइवेट इधारा जो आपका ओवरऑल कैसे आप क्रेडिट को यूज कर रहे हैं उसको वो ट्रैक कर रहे हैं कि आप अगर उधार लेते हैं टाइम पे पे वो सारी आदत आपकी उसमें कर रहा है उसका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो तीन से लेकर आठ तक है लेकिन अगर आपका छः से लेकर सात तक है दैट मीन एक्सीट आपको तो दुनिया का हर होम लोन मिलेगा

क्योंकि ये बातों में बातों में है पर डेबिट ये 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 कार्ड ये ये। ये। आ गया आपके पास क्रेडिट क्रेडिट स्कोर की आपको समझ लग गई आपको होम लोन मुझे भी नहीं समझ में ना आपको समझाऊंगा आप लोग उन्हीं लोगों से पूछे लोगों को समझ आए इसके बाद आए थे कहीं बहुत सारे लोगों को यंग लोगों को शौक है आजकल

तो वो आपको बताएंगे कि वो फिर वो फिर आगे की बात है अभी तो हम बेसिकली स्टार्ट में ही है कि कैसे चीज़ें कहने के मकसद है अमेरिका में जैसे जैसे आपकी उम्र एक खास रूप में पच्चीस साल तक उम्र होगी आपको एट मैं नहीं कह रहा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करें डेढ़ ट्रेडिंग करें पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स क्या होते हैं जो आपके बुढ़ापे साठ पैंसठ साल की उम्र में आपको पैसा देंगे उनके बारे में एक जनरल नॉलेज होना लाजमी है आपकी कंपनियां भी आपसे पूछेंगी कि यार हम तुम्हारे नाम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं किस अकाउंट में हम डलवाएं वो आपको सारी गेम समझ होनी चाहिए लाजमी है। अगर आपने यहाँ पे रहने फॉर पक्के पक्के यहाँ पे आ गए हैं क्योंकि वो चीज जब आप रिटायर होंगे ये पाकिस्तान तो है नहीं कि आप रिटायर होंगे अपने बच्चों पे रहेंगे आप yeah. आप अपने पैसों पर रहेंगे तो वो पैसे कैसे बिल्ड करने हैं उसके लिए पूरी नॉलेज है यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है आप सर्च करें इन्वेस्टमेंट बैंक स्ट्रेटजीज आई आर ए है फोर ओ वन के वो क्या है उसके बारे में सीखें और वो भी बात उसको भी हम तभी डिस्कस करेंगे तो क्योंकि हमारे पास एक्सपर्ट बैठा हुआ तो अच्छा है पर आपको करेंगे पर ये वो चीजें हैं जो ये जो हां वो जरा एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि आप बैंकिंग कितनी वापस आती है कि अपनी थीम के ऊपर कितनी आसान है आसान है एक्सेसिबल बेसिकली हमारा जो सारा बात का जो नमूना है ना वो ये है कि कितनी आसान है मतलब कि नॉट टेंशन लिए बगैर

वो नहीं देता आपको रिफंड दुकानदार आप आप जाएंगे आप डिस्प्यूट डाल देंगे बैंक आपको वापस करेगा ओ oh. ये बड़ा मजे ना कितनी महफूज है बैंकिंग मतलब फुल सिक्योर है अब yeah. वही बात है कि आप कंपेयर नहीं है अब यहाँ पे क्योंकि अमेरिका में बहुत आ गया ये जो भी इसने बात की है ना वो लिख के आप अगर वो रिफंड नहीं दे रहा तो आपका बैंक आपको करवा देगा तो वो उसमें ही बात आती है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो सर्विस कस्टमर सर्विस है ना क्योंकि हम भी बैंक उनके लिए कस्टमर ही है ना हम भी उनके लिए कस्टमर तो ही है तो उन्होंने उन्होंने हम उनका बिजनेस ही हमसे चलना है तो उन्होंने हमें ऐसी सर्विस देनी है कि वो कहेंगे कि यही है सब कुछ हम मैं हम ऑनर वॉनर कुछ नहीं है ये लोग है तो इसलिए हमारा तुम बैठता है जो मर्जी हमारे कार्ड हो हमें कभी हमने नहीं देखा इंटरनेट के क्या हो रहा है क्या नहीं कोई फ्रॉड एक्टिविटी होती है मेरे साथ हुई एक दो दफा वो हम मैं, मैं बैठा हूं और मेरे 600 700 डॉलर निकल के मैं कहा ये क्या हुआ है मैं ताजे होकर ताजे और वो हमारे एरिया में कोई सबब है उधर से निकाला हुआ था मतलब के एक दूसरी से शहर टाइप के लो जैसे अपना पिंडी है पिंडी तो रु, रुवातू किसी पैसे कर लो हाँ वो मैंने उनको कॉल किया उन्होंने मेरा अकाउंट बंद किया और वो सारे पैसे वापस बिल्कुल और नया कार्ड मुझे आ गया और सबसे अच्छा अब आपसे आप मुझसे पूछोगे कि यार वो ठीक है आपका कार्ड तो बंद हुआ पैसे भी आपके वापस आ गए तो वो जो कार्ड चलता हुआ जो मेरा चल रहा उसमें है उसमें पॉइंट्स भी हैं मेरे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स भी मिलते हैं कैश मिलते हैं तो वो क्या वापस आएंगे हाँ वो भी वापस आएंगे वो उसी तरह वापस आएगा आपका कार्ड उधर ही लेवल में खड़ा होगा उतनी क्रेडिट स्कोर होगी उधर से हिलेगी नहीं तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है मतलब कि यहाँ पे बैंकिंग का जो जो हमें जो लगा कि बहुत ही मतलब के इवन तो हमने पांच छह जगहों में बैंक खुलवाए यूं गए यूं बाय और ये तो और अच्छा ये तो पाकिस्तान से हमने कंपेयर किया वहाँ क्या देखिए बिल शिल भी सब कुछ घर में पे हो रहा है पाकिस्तान में भी आ गया मुझे अच्छा लग रहा है इसी पैसा वगैरह लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में अगर रहते हैं यार मैं एक सेफ एडवाइस दूंगा मुझे मेरे भाई ने पीछे उसने बताई मुझे अच्छी लगी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ मैंने पूछा तुम बाहर जाते हो कैश लेके जाते हो कहते नहीं कैश नहीं लेके जाता मैं फिर क्या कर रहे हो कहते जी मैंने इजी पैसा में पैसे रखे हुए हैं पाँच छः हज़ार ऊबर की क्या किया दही वाले के पास किया इसी कैश, इसी पैसा कर दिए मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है तो मतलब के वो डिजिटल हो रहे हैं मैंने कहा अच्छा तरीका है ये बहुत जैसे अच्छा वो इंडिया में पेटीएम तो तो yeah. तो मतलब एक, एक, एक टेक ओवर कर लिया एक सिटीजन थोड़ा होशियार होके okay, okay. तो चल अपनी हिफाजत करें कराची रहते हैं बहुत जरूरी करें भाई साहब पैसे रख के ला जाए मोबाइल ना लागे फिर <laughs> वो वो देने पे नहीं कोड आता है फोन के ऊपर वो आपने पैसे भेजने हैं okay. अपना आईडी कार्ड दिखाना है वो आपको डिजिट कोड आएगा और अगले को पहुंच गए वो कोई भी फोन हो तैती दस रुपये कोड तो आ ही जाना है ना हुँ. तो वो वो मेरे मेरे कहे अच्छा तरीका है तो ये तो होगी हमारी बातें बैंकिंग की होगी होगी सब कुछ और अगले में कोशिश करते हैं

तो वहाँ पे आपने जाना ही जाना है पार्ट में ये हो गया और सबसे जरूरी चीज़ यार हमें मजा आ रहा है व्यूज आ रहे हैं सब कुछ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो करें हम लिंक डाल देंगे नीचे डिस्क्लेमर के अंदर कोशिश करेंगे अगर हमें पॉपअप बन गया हाँ वो तो वो भी हम कर देंगे और वीडियोस बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं हर बुध वे और हफ्तावार सैटरडे को आया बुध की सुबह पाकिस्तान और सैटरडे और की सुबह पाकिस्तान और यहाँ के टाइम पे ट्वेल्व फोर्टी फाइव मतलब शिकागो तो में, में रात को मंगल की रात को हुँ. और जुमे की रात को साइन ऑफ so, करते हैं एवरी सैटरडे स्टेट योर फेवरेट पॉडकास्ट ब्लाइंडर्स थैंक यू दिंडी ब्लाइंड